अरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का। मैं आपको इस ये काफी एक से करने काफी बड़ा मेथड हो जाता है। मैं आपको ये अपनी तरीके से बहुत सिंपल मेथड करके दिखाऊंगा और ये बिना एक्स के बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। समझने में भी आसान होगा ये वाला तरीका। देखो, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अच्छा देखा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्य जो छोड़ चला जाता है उससे कंफ्यूज आते हैं कितना काम कर गया, कितना छोड़ के गया। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से बड़ी आसानी से करके आपको दिखा सकता हूँ। ए ने किया है 12 दिन में, इन्हें ए कर सकता है 12 दिन में समाप्त, बी कर सकता है 18 दिन में। फिर क्या करते हैं, ये काम समाप्त करते हैं, अपने इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का एक ट्रिक होता है, इसमें क्या होता है, एलसीएम में जो दो डिजिट देते हैं सबसे बड़ी संख्या में पहले हम लोग इंटू करते हैं, दो का इंटू करके देखते हैं अगर इससे जा रहा है, ये दोनों इसमें जा रहा है तो उसका एलसीएम हो जाता है। अगर इससे बड़ा डिजिट होता तो इसमें क्या करते हैं, डिजिट को बढ़ाते जाते हैं। इसी प्रकार इनमें दो का तीन का करते जाते हैं, फिर क्या मिलता है, एक डिजिट हमें मिल जाता है तो सबको एकदम उससे सबका चला जाता है उसमें एलसीएम। इसका आएगा 36, 12 + 36, 18 × 36। ये आगे की एफिशिएंसी यानी इनकी क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, अब ये मेरा एक तरीका है सॉल्व करने का विदाउट एक्स के। देखो इसे कैसे करते हैं, यस से सपोज दैट यहां से ये काम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ये ए और बी और यहां से फिनिश करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही आसान तरीका होता है विदाउट एक्स के आएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, परंतु कार समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया, तो पूरा कार कितने दिन में समाप्त हुआ? अब देखो कार समाप्त यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया यानी कि 3 दिन पहले ये छोड़ जाता है काम। कार समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया, ए ने कार छोड़ दिया 3 दिन पहले, यानी कि ये यहां से 7 चले होंगे ए और बी। ठीक है, और यहां पर पहुंचने के बाद 3 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ बी ने काम किया हुआ 3 दिन। ठीक है, और हमें बी का टोटल काम निकालना, कितना बी ने काम किया, तो यहां से इसमें क्या बी की एफिशिएंसी कितनी, क्षमता और 3 दिन का काम, इसका करते हैं इनटू 6। यानी कि यहां पे आके बी ने 3 दिन अकेले काम किया 6, तो वो 3 काम से अलग बी अलग कर देते इससे। ठीक है, इसे माइनस करते हैं, अब शेष कार्य बचा है 30 दिन। ठीक है, शेष कार्य बचा 30 दिन। अब क्या है ना, यहां से ये लोग 7 चले गए, अब ये 7 में काम खत्म करेंगे, ये 30 बकाया शेष काम ये मिलके करेंगे दोनों, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 = 5। ठीक है, अब ये 30 काम मिलके करेंगे यहां पे, छह दिन इन लोगों ने साथ किया ए प्लस बी ने, और 3 दिन इसने अकेले किया बी ने। ठीक है, तो कितने दिन में कार्य शुरू होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन हो गए और 3 दिन इससे बी के हो गए, पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त होगा, 9 डेज में। This answer.